नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम सोमवार को अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल राजस्थान की जनता को गारंटी दे रहे थे, लेकिन बाहर उनके कार्यकर्ता सभागार में प्रवेश करने के लिए धक्के खा रहे थे। राजस्थान के दूरदराज के क्षेत्रों से आए कई कार्यकर्ताओं को सभागार में प्रवेश नहीं मिला तो वहीं वो मायूस नजर आए। इसमें से कई लोगों ने आक्रोश व्यक्त कर गुस्से का इजहार भी किया। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रताप नगर सांगानेर में मौजूद निर्मला ऑडिटोरियम में टाउन हॉल कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रदेश भर से आम आदमी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। हॉल की क्षमता 1200 व्यक्तियों की बैठने की थी, लेकिन इससे कई ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं और दूसरे जिलों के पार्टी पदाधिकारी पहुंच गए थे। कार्यक्रम का वक्त 2 बजे को दिया गया था, लेकिन लोगों से हॉल पूरी तरह भर गया और इसके बाद व्यवस्थाओं में लगे कार्यकर्ताओं ने हॉल में प्रवेश के सभी दरवाजे बंद कर दिए। इधर सभागार में प्रवेश के लिए लोग मशक्कत करने लगे, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी और इस दौरान ज्यादातर कार्यकर्ता गर्मी और उमस की वजह से पसीने से लथपथ हो गए। दरअसल पहले आए कार्यकर्ताओं ने सभागार भर गया और इसके बाद दरवाजे बंद कर दिए गए, तो टिकट के कई दावेदार तथा पदाधिकारी भी हॉल में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते नजर आए। उन्हें अपना परिचय दिया और लेकिन व्यवस्थाओं में लगे कार्यकर्ताओं ने लोगों से न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि धक्का मुक्की भी की। कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, जबकि इसके लिए जब प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल को फोन किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं इससे परेशान होकर प्रदेश मुख्य प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता ने तो मोबाइल स्विच ऑफ ही कर लिया। आपको बता दें, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान की जनता को 6 गारंटी दी। केजरीवाल ने पहली गारंटी के रूप में दिल्ली पंजाब के बाद राजस्थान में भी मुफ्त और 24 घंटे बिजली देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान वालों एक मौका तो दो, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली आएगी, 300 यूनिट हर महीने बिजली मुफ्त मिलेगी और इसमें 90% परिवार कवर हो जाएंगे। राजस्थान में सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे। दूसरी गारंटी दी कि आपके बच्चों की शिक्षा की देता हूं, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी फ्री शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है, ये सब बंद करेंगे, राजस्थान के सरकारी स्कूलों को दिल्ली जैसे शानदार बनाएंगे, अस्थायी शिक्षकों को नियमित करेंगे, टीचरों से शिक्षा के अलावा दूसरे सब काम बंद करवाएंगे। तीसरी गारंटी स्वास्थ्य, राजस्थान के एक एक परिवार को अच्छा इलाज देने की गारंटी है। राजस्थान में हर गांव के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और शानदार सरकारी क्लिनिक बनाएंगे। चौथी गारंटी, राजस्थान की हर महिला के खाते में 1000 रुपए हर महीने डलवाएंगे। महिला सशक्तिकरण बातों से नहीं, पैसों से ही होगा। अगली और पांचवी गारंटी, राजस्थान का कोई पुलिस कर्मी या सैनिक बॉर्डर पर शहीद होता है तो उसे 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और छठी गारंटी है, राजस्थान में जितने कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। आखिर में केजरीवाल ने कहा, मैं रोजगार की गारंटी देकर जा रहा हूं। आप संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि काम की बात बीजेपी पार्टी वाले नहीं करेंगे। नया नारा दिया है, वन नेशन वन दोस्त। प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ भारतीयों का सबका एक ही दोस्त होना चाहिए, ऐसा दोस्त होना चाहिए, सभी एयरपोर्ट दे दिए जाएंगे और सारी बिजली कंपनियां एक ही दोस्त को देना चाहिए, सारी कोयले की खदानें एक ही दोस्त को देनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे, दोस्त के लिए काम नहीं करे। केजरीवाल ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को कोई फायदा नहीं होने वाले हैं और ऐसे में हम चाहते हैं वन नेशन वन इलाज, नेशन वन एजुकेशन से ही फायदा होगा, अमीर गरीब सबको फ्री इलाज मिले, फ्री शिक्षा मिले। आगे केजरीवाल ने कहा कि 5 साल में नेता कब अंडर में आते हैं, जब चुनाव होते हैं, ऐसे में एक चुनाव होंगे तो नेता 5 साल में एक बार आएंगे, कहेंगे 5000 के सिलेंडर मिलता है, 200 रुपए माफ कर दिए। मैं कहता हूं हर तीसरे महीने यानी साल में 4 चुनाव होने चाहिए ताकि कुछ तो देकर जाएंगे, कुछ तो करेंगे, वरना विदेश में घूमते रहेंगे। केजरीवाल बोले, मेरा नारा है वन नेशन 20 इलेक्शन। केजरीवाल ने कहा कि हम चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम गारंटी देते हैं, लेकिन केजरीवाल मर जाएगा पर गारंटी पूरी करेगा।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।